क्वेश्चन लिखते हैं, यू इक्वल टू वाई क्यूब बाय 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर वाई, वी इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस एक्स क्यूब बाय 3। चलो सपोज हम पहले फाइव फाइंड कर रहे हैं, अगर फाइव फाइंड करना है डबा फाइव बाय डबा एक्स क्या बताएगा, माइनस यू। तो डबा फाइव बाय डबा एक्स इक्वल टू माइनस यू, माइनस यू मतलब इसको सबको माइनस देना है, क्या आएगा माइनस वाई क्यूब बाय 3 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर वाई, इसको चेतर से लिख देते डबा फाइव और इधर कौन है डबा एक्स, इंटीग्रेटिंग। बता दो पहले, बता दो एक दो सम, थोड़ा तुमको यूज टू होने लगेगा उसके बाद तुम फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक। हाँ अब क्या लिखूं, फाइव इक्वल टू कमान कमान माइनस वायरस टू 4, हाँ एक्स वाई क्यूब बाय 3 माइनस 2x स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 साथ में y प्लस c, और c को क्या लिखूं f ऑफ y, है ना, क्योंकि मैंने डिफरेंश इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू x। और हमारा रूल क्या, डबा फाइव बाय डबा y मतलब क्या होता है माइनस वी। कोई भी क्वेश्चन हो सबसे पहले ये चीज जरूर लिखने का, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब मुझे एफ ऑफ वाई निकालना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डिफरेंशिएट क्या विद रिस्पेक्ट टू वाई, क्या आएगा बताओ बताओ, माइनस 3x वाई स्क्वायर बाय 3 विद रिस्पेक्ट टू वाई, है ना, हाँ इसका एक्स क्यूब बाय प्लस एफ डैश ऑफ, हाँ ठीक। अब मुझे डबा फाइव बाय डबा वाई मतलब क्या है माइनस वी, और वी मेरे पास है उसको देना पड़ेगा माइनस, ठीक, उसको माइनस दिया तो क्या बनेगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस एक्स क्यूब बाय 3, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, एक्स क्यूब बाय 3 कैंसिल, 3 3 भी कैंसिल था, ये तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर ये भी कैंसिल, देखो बचा ना टर्म, समझा, ठीक। मतलब क्या मिला, 2y इक्वल टू एफ डैश ऑफ y। अब क्या करेंगे इसको इंटीग्रेटिंग, क्या आएगा एफ ऑफ y इक्वल टू 2y स्क्वायर बाय 2, मतलब क्या मिला वाई स्क्वायर, ये हुआ अपना एफ ऑफ वाई का वैल्यू जो उठा के अपने को फाइव में पुट करना है। देयरफॉर फाइव इक्वल टू माइनस एक्स वाई क्यूब बाय 3 माइनस 2 2 कैंसल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाय 3 वाई प्लस वाई स्क्वायर, खत्म, 4 मार्क मिले यहां पे। ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 बार आया है फॉर 8 मार्क्स, ठीक, अभी आएगा फॉर 6 मार्क्स थ्योरी पेपर में, ठीक है। साय निकालेंगे खुद से, चलो ट्राई, कोई डाउट करते साय, तुमको निकालना है अभी, यह था दिसंबर 2009 एंड दिसंबर 2012।
सॉल्व करो, साय अपने को निकालना है। ना साई के लिए कंडीशन थे अपने डाबा साई बाय डाबा एक्स मतलब था वी, डाबा साई बाय डाबा वाई था माइनस यू। तो यहां से हुआ डाबा साई इक्वल टू वी डी एक्स, और वी मतलब हमारा एक्स वाई स्क्वायर माइनस टू वाई माइनस एक्स क्यूब बाय थ्री डाबा एक्स इंटीग्रेटिंग। साई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय टू माइनस टू एक्स वाई माइनस एक्स एस टू फोर बाय ट्वेल्व प्लस एफ ऑफ वाई। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू वाई, डबा साई बाय डबा वाई टू एक्स स्क्वायर वाई बाय टू माइनस टू एक्स माइनस जीरो प्लस एफ डैश ऑफ वाई, और डबा साई बाय डबा वाई मतलब है माइनस यू। तो माइनस यू क्या आएगा, माइनस वाई क्यूब बाय थ्री माइनस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई। तो ये टू कैंसिल हुआ था, जिससे ये एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल हुआ, टू एक्स भी कैंसिल हुआ। तो बचा एफ डैश ऑफ वाई इक्वल टू माइनस वाई क्यूब बाई थ्री। हाँ देयरफॉर एफ ऑफ वाई इक्वल टू माइनस वाई रेस टू फोर बाय ट्वेल्व। इधर भी प्लस सी लिखना लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और ये एफ ऑफ वाई उठा के पुट कर दो, देयर फोर साई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय टू माइनस टू एक्स वाई माइनस एक्स रेस टू फोर बाय ट्वेल्व माइनस वाई रेस टू फोर बाय ट्वेल्व। सिंपल लगा? लिखते हैं दिसंबर 15।
दिसंबर 15 सिक्स मार्क्स, दिसंबर 15 सिक्स मार्क्स। उम्मीद हुआ ये खुद से करने को दिया था ये साल। दिसंबर 15 फाइव इक्वल टू फाइंड फाइंड वेलोसिटी कंपोनेंट्स, फाइंड वेलोसिटी कंपोनेंट्स इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन, फाइंड वेलोसिटी कंपोनेंट्स इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन एंड चेक पॉसिबिलिटी ऑफ फ्लूइड फ्लो। चेक पॉसिबिलिटी ऑफ फ्लूइड फ्लो मतलब क्या करना है, यहां से यू और वी निकालना है और क्या चेक करना है, फिर कंटिन्यूटी इक्वेशन। और ये सम मतलब ही पिछला सम क्या हुआ है, जो पहला सम देखो जो अभी किया था ये सम, अभी जो बोला था तुमको एट मार्क्स के लिए सम आया है, फाइव और साइव निकाला, ये जो किया सम इसका फाइव देखो ना कितना आया था, है कि नहीं है, है ना, दिखाई दिया क्या, ठीक। मतलब यू और वी यही आने वाला ना इसका, है ना, नहीं है तो नहीं है, जाने दो कर लेना तुम, ठीक है। ये वाला सम तुमको होमवर्क के लिए, ठीक, ये वाला सम तुमको होमवर्क के लिए, ठीक है। क्या करोगे यहां से, डबा फाइव बाय डबा एक्स क्या मिलेगा, माइनस यू, लेकिन पूछा है यू, ओके okay? और फिर डबा फाइव बाय डबा वाई क्या मिलेगा, माइनस वी, है ना, ठीक। लिखता है नेक्स्ट सम, दिसंबर 11 एट मार्क्स, द वेलोसिटी पोटेंशियल, the velocity potential phi equal to minus 2xy, phi equal to minus 2xy, find stream function full stop, also find velocity and its direction, also find velocity and its direction at 2, 2, at 2, 2. Come on, solve. Phi diya, psi pucha, pehle kya nikalna hai, u or v, come on. खुद से कर सॉल्व, डिस्कस मत कर, खुद से कर।
पहले यू और वी निकालो, डाबा फाइव बाय डाबा एक्स, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले लो पहले, क्या आएगा माइनस टू वाई, और इसी का मतलब क्या है माइनस यू, हो गया ना, देयर फॉर यू इक्वल टू क्या मिला मुझे टू वाई, इतना क्या सोचते बैठो, डेरिवेटिव लू के इंटीग्रेशन लू, डेरिवेटिव लू के इंटीग्रेशन लू, और डाबा फाइव बाय डाबा वाई क्या आएगा माइनस टू एक्स इक्वल टू क्या रहता है माइनस वी, देयर फॉर वी इक्वल टू टू एक्स, हो गया। अब निकालो फाइव, नाउ इट्स नॉर्मल सम, यू और वी दिया है, फाइव निकालना है, फाइव नहीं क्या साइन निकालना है, स्ट्रीम फंक्शन बोला ना, अब करो करो तुम करो, आंसर स्क्वायर, बहुत सिंपल था ये, बहुत सिंपल था, पीछे इस तरफ आंसर, डबा साई बाय डबा एक्स मतलब होता है वी, तो डबा साई विल बी वी डी एक्स, वी इज टू एक्स डब एक्स, इंटीग्रेट साई इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस एफ ऑफ वाई, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्स स्क्वायर सॉरी जीरो और एफ ऑफ वाई का एफ डैश वाई, और ये है डाबा साई बाय डाबा वाई माइनस यू, माइनस यू इज टू वाई, एफ डैश वाई इक्वल टू माइनस टू वाई, एफ ऑफ वाई माइनस टू वाई स्क्वायर बाय टू इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर, उठा के पुट कर दो, देयरफॉर साई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आया था आंसर। और क्या पूछा है क्वेश्चन में, और कुछ पूछा था, वेलोसिटी, वेलोसिटी तो आया बट उसका क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए है ना, यू टू इंटू टू फोर, वी विल बी टू इंटू टू फोर, ठीक है, और टोटल वेलोसिटी अंडर रूट फोर स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर, फोर मत लिखना हाँ, फाइव पॉइंट सिक्स फाइव, एंगल टैन थीटा वी बाय यू 45 डिग्री बोला है ना, एंड इट्स डायरेक्शन टैन थीटा वी बाय यू वाई बाय एक्स, वाई मतलब वी एक्स मतलब यू, फिर से कहिए डेरिवेटिव, डेरिवेटिव फिर से ये आया, उसमें डाउट, कोऑर्डिनेट्स पुट किए बस,
लिखते हैं साई इक्वल टू साई इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर फाइंड साई फाइंड फाइव फाइंड फाइव डिसंबर 14 सिक्स मार्क्स सॉल्व सॉल्व सही आ ही नहीं रहा है तब से गलत गलत किए जा रहे बस बिना बाजू में देखे बिना पीछे देखे करो ना सॉल्व आया किसी का आंसर किसी का आया फाइव माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब सिक्स मार्क्स से सिंपल कुछ नहीं मिलेगा एफएम में डन आया क्या सबका माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब ओके दो सम और करने हैं लेटेस्ट पेपर के दोनों अलग थे उतना पेशेंस रखो बस ठीक है अगर तुमको लग रहा है ऐसा कि वो सम देख के तुम कर सकते तो कर लो होमवर्क ठीक लिखते
मई 16, मई 2016, 6 marks. If phi equal to 3xy, find x and y component of velocity. Find x and y component of velocity at 1,3 and 3,3. At 1,3 and 3,3, full stop. Also find discharge between streamlines. तो अब मुझे बताओ फाय से क्या निकालना है पहले वेलोसिटी. तो क्या करूं बता दो. डबा फाय बाय डबा एक्स इक्वल टू क्या रहता है माइनस यू रहता है ना. हाँ क्या आएगा माइनस 3y. सिर्फ 3y ना. देयरफॉर यू इक्वल टू क्या मिला माइनस 3y. एंड डबा फाय बाय डबा वाई इक्वल टू माइनस वी क्या आएगा 3x. तो v इक्वल टू मिला माइनस 3x. ना पहले कोऑर्डिनेट्स क्या बोले 1,3. तो u आएगा पहला वाला 1,3 माइनस 3 × 3 माइनस 9. v आएगा माइनस 3 × 1 माइनस 3. दूसरा क्या बोला है 3,3 माइनस 3 × 3 माइनस 9. ये भी माइनस 9. दो मार्क तो मिले ठीक है. वेलोसिटी पूछा था कि वेलोसिटी कंपोनेंट पूछा था कंपोनेंट्स तो गए कंपोनेंट्स. रिजल्टेंट निकालने की जरूरत नहीं है ठीक. अब क्या पूछा है डिस्चार्ज ठीक है. तो तभी लिखा था अपने फ्लो नेट में वही तो मैंने बोला था ये सब लेटेस्ट पेपर में आया था ठीक. देखो ऐसा कोई भी सम अब तक हमने किया नहीं कि ये फाय साय यू वी इससे अपने को डिस्चार्ज पे जाना है. ऐसा कोई सम किया क्या अब तक नहीं. तो ये बोला कि ये सम एकदम अलग आया था लेटेस्ट पेपर का ठीक है. तो हमने बोला था कि दो साय के बीच का डिफरेंस मतलब क्या बताएगा अपने को डिस्चार्ज. तो दो साय के बीच का डिफरेंस तो दो साय निकालने पड़ेंगे. पहले दो साय निकालने के लिए पहले एक साय का इक्वेशन तो बनाना पड़ेगा ठीक. तो u और v है बनाएंगे साय. चलो साय का इक्वेशन तो बना. कम ऑन फास्ट. u और v का इक्वेशन है साय तो बनाओ. आए किसी का साय डबा साय बाय डबा एक्स इक्वल टू वी डबा साय VDX माइनस 3x डबल एक्स इंटीग्रेटिंग साई इक्वल टू माइनस 3x² / 2 प्लस f ऑफ y
डाबा साई बाय डाबा वाई माइनस याद आएगा जीरो प्लस एफ डैश ऑफ वाई, और ये इक्वल टू बताएगा माइनस माइनस यू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा थ्री वाई, तो कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ, एफ डैश ऑफ वाई आया थ्री वाई, एफ ऑफ वाई आया थ्री वाई स्क्वायर बाय टू, देयरफॉर साई इक्वल टू माइनस थ्री बाय टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री बाय टू वाई स्क्वायर। दैट्स साई, ओके। कितने लोगों का आया गलत? सबका सही, एफिशिएंसी 100%। तो अब इसमें कोऑर्डिनेट पुट करने हैं, पहले कोऑर्डिनेट क्या है, 1, 3, तो साई हम कौन सा निकाल रहे हैं, 1, 3 वाला, तो क्या आएगा 3 बाय 2 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और दूसरा निकालना है साई 3, 3 3 बाय 2 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, जिससे ये बेचारा तो आ जाएगा 0। ये आंसर 12। नाउ डिस्चार्ज, हमने बोला था Q विल बी 2 साई का डिफरेंस, 12 माइनस 0 12 यूनिट्स। ये लेटेस्ट पेपर का सम था, याद रखना रिपीट होने के चांसेस ज्यादा। कोई डाउट? ओके, कोई डाउट? लिखते हैं इसको, और में जो था सम मे 16 सिक्स मार्क्स, इसको और में मे 16 सिक्स मार्क्स, साई इक्वल टू, साई इक्वल टू 3x² माइनस वाई स्क्वायर, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन एंड वेलोसिटी कंपोनेंट्स, एंड वेलोसिटी कंपोनेंट्स एट 2, 2। चलो वेलोसिटी तो निकालो, वेलोसिटी कंपोनेंट्स एट 2, 2। वेलोसिटी तो निकालो, इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन पूछा ना, एंड साइज स्ट्रीम फंक्शन नॉट स्ट्रीम लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन क्या है वो लिखा था ना अपन, डीएक्स बाई यू इक्वल टू डी वाई बाई वी, दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन ना। हाँ क्या लिखा था कल, टैन थीटा इक्वल टू वी बाई यू लिखा था, और इक्वल टू क्या बोला था डीवाई बाई डी एक्स, मतलब क्या हुआ डी एक्स बाई यू इक्वल टू डीवाई बाई, दिस इज कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन। साई इज नॉट अ स्ट्रीम लाइन, साई इज स्ट्रीम फंक्शन, ओके। वेलोसिटी तो निकालो, डबा साई बाय डबा एक्स हाँ इक्वल टू V, क्या आएगा
सिक्स एक्स, और डबा साय बाय डबा वाई माइनस यू माइनस टू वाई, तो ये मिला मुझे v, देयरफॉर u इक्वल टू मिला 2y, और वेलोसिटी के लिए कोऑर्डिनेट कह दिए थे 2 2, तो u इक्वल टू लिखूंगा मैं 2 into 2 4, v इक्वल टू लिखूंगा 6 into 2 12, और अगर वेलोसिटी भी पूछा है तो अंडर रूट 4 square plus 12 square, 12 पॉइंट यूनिट्स। और अब पूछा क्या, इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन, हाँ अब वो निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन होता क्या है, डी एक्स बाई यू इक्वल टू डी वाई बाई वी, तो डी एक्स बाई यू, यू इज 2y इक्वल टू डी वाई बाई वी, वी इज 6x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या मिल रहा है, 6x dx इक्वल टू 2y dy, ओके, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, क्या आएगा 6x² / 2 इज इक्वल टू 2y² / 2 प्लस सी, मतलब क्या मिला मुझे ये 3x² माइनस y² इक्वल टू क्या, कांस्टेंट। तो अब ये कांस्टेंट का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, हमारे पास वैल्यू है x और y के, है ना, क्या वैल्यू है, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू भी कितना है 2, तो 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इक्वल टू c, तो c आ रहा है 8, देयरफॉर इक्वेशन क्या मिला मुझे 3x² माइनस y² इक्वल टू 8, ये था लेटेस्ट पेपर, ये था लेटेस्ट बैकलॉग का पेपर, ठीक, मई 16 है ना, थे कि नहीं, दो सम अलग, थोड़ा सा आउट ऑफ द ट्रैक था ना ये, ठीक। ओके, यहां पे अपना यूनिट नंबर 2 समाप्त होता है, ओके, यहां पे अपना यूनिट नंबर 2 काइनेमैटिक्स खत्म हुआ। याद से परसों ऑनलाइन एग्जाम को जाते वक्त या जाने से पहले ऑनलाइन का जो बुक है टेक्निकल का, वो याद से देख के जाओ, पढ़ के जाओ, कुछ कुछ चीजें हैं जो एग्जाम में आई हुई है उसमें, ठीक है, याद से देख के जाओ, बिना देखे जाओ मत, मैं बार बार तुमको ये बात बता रहा हूँ पिछले एक हफ्ते से, ठीक, स्पेशली फर्स्ट चैप्टर के MCQ देख कर जाओ, वहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, एक बड़ा बलून सा दिखाया हुआ, ठीक, जो एयर बलून होता है ना, ठीक है, वो बलून दिखाया हुआ, देन एक लीफ के ऊपर मॉइस्चर दिखाया हुआ, ठीक है, ड्रॉपलेट दिखाया तो वो कौन सा कंसेप्ट होगा, सरफेस टेंशन। एक मॉस्किटो दिखाया हुआ है, वो अगर पानी पे चल रहा है, सरफेस टेंशन, ठीक है। और तुमको मैंने एक मैनोमीटर बोला था, ब्लड प्रेशर मेजर करने का, स्पिग्मो मैनोमीटर, ठीक, ये सब चीजें याद रखो, एक बार वो ऑनलाइन का बुक देख कर जाओ, एटलीस्ट उसमें से जितने न्यूमेरिकल है, सारे न्यूमेरिकल अपन यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं सारे, एटलीस्ट उसका थ्योरी देख कर जाओ, जितने भी उसमें थ्योरी क्वेश्चन है, थ्योरी क्वेश्चन याद से देख कर जाओ, थ्योरी क्वेश्चन आते हैं वो एज इट इज, क्लियर, इस चैप्टर के लिए भी बोल रहा हूँ मैं, याद रखना, ठीक, एक दो छोटे से पार्ट रहेंगे, देख कर जाओ, क्लियर, ठीक। फिर भी अगर तुमको कुछ डाउट रहा, कल सुबह मैं यहाँ पे हूँ मॉर्निंग 8 to 12, अगर डाउट रहा सुबह आ जाओ, क्लियर, ठीक, स्टॉप करते हैं अपन।